नमस्कार, मैं तिलक राज बिगाना एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और एक आम नागरिक, भारतीय नागरिक होने के हिसाब से भी जानना बहुत जरूरी होता है। भारतीय संविधान में जो आईपीसी की धाराएं हैं, आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। आईपीसी जैसे नाम से ही पता चलता है, आईपीसी का मतलब क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए जो भारतीय दंड संहिता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी केस दर्ज होता है, हमें पता नहीं होता है कि जो पुलिस है वो हमारे पर किस एवज में केस दर्ज कर रही है, कौन सी धारा के अंतर्गत केस दर्ज कर रही है। तो आज हम बात करने वाले एक जो मेन मुख्य रूप से लगभग प्रयोग में होती है, सबसे ज्यादा यूज जिनका होता है, ऐसी धाराओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं 120। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि उसके ऊपर 120 लगा दी गई है, उसको 120 लगा करके जेल के अंदर डाल दिया गया है, यानी कि षड्यंत्र रचना। 120 में क्या होता है? षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र कैसे रचा जाता है कि किसी प्रकार के कोई दंगे भड़कवाए जाते हैं, जैसे ठीक है कहीं पे हिंसा करवाई जाती है, तो एक षड्यंत्र रचने के तहत आती है, वो षड्यंत्र रचने के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करते हैं 144। आप लोगों ने सुना होगा जिस प्रकार से भारत के अंदर हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कभी किसी केस को लेकर के, कभी किसी केस को लेकर के लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो क्या होता है वहां पे पुलिस 144 लगा देती है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ साथियों, जो धारा 144 है वो कभी भी इंसान के ऊपर नहीं लगती। अगर किसी के माइंड में ये बात है कि धारा 144 इंसान के ऊपर लगती है, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दे। धारा 144 हमेशा जगह के ऊपर लगाई जाती है, और उस जगह पे ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पे मतलब 4-5 से ज्यादा लोग हथियारबंद इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि उससे कई बार हिंसा भड़कने का खतरा होता है, या देश के अंदर या समाज के अंदर अशांति फैलने का खतरा होता है, इस कारण धारा 144 लगाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 201। 201 में क्या होता है? सबूत मिटाना। कई बार क्या होता है कि कोई मर्डर करता है, ठीक है, उसके बाद जिस हथियार से उसकी हत्या की जाती है उसको छुपा देता है, या कई बार कोई चोरी करता है तो उस समय अपने जो सबूत होते हैं उनको छुपा देता है। और सबूत कैसे छुपाए जाते हैं, ये नहीं है कि जब चोर कोई चोरी कर रहा है तो अपने सबूत वहां पे छोड़ेगा नहीं, तो सबूत कैसे छुपाए जाते हैं, सबूत जिस प्रकार से पुलिस जांच करने के लिए आई, कोई भी कांड हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, पुलिस जांच के लिए आती है, लेकिन उस समय जो सबूत छुपाए जाते हैं, यानी कि जिनको गलत तरीके से पेश किया जाता है, उसको बोलते हैं सबूत मिटाना। उसके बाद आती है बात 300, ठीक है, जो संविधान की धारा 300 है उसके अंदर बताया गया हत्या करना। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो 300 है और 302 है दोनों हत्या की है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो आईपीसी की धारा 300 है उसके अंतर्गत हत्या की परिभाषा दी गई है कि हत्या क्या होती है, और जो 302 है उसमें हत्या का दंड दिया जाता है, यानी कि हत्या जो की है उसका दंड, कि इसका दंड कैसे दिया जाना चाहिए या इसका दंड क्या होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 307 की। 307 में क्या होता है? किसी भी आदमी की हत्या करना, ठीक है, यानी कि हत्या की उसकी कोशिश करना, अगर उसकी हत्या कर दी, जो हत्या की कोशिश होती है वो कैसे की जाती है, कई बार क्या होता है कि कोई किसी को मारने की कोशिश करता है, एक तो होता है कि अपने बचाव में, अगर कोई अपने बचाव में किसी के ऊपर अटैक कर रहा है वो हत्या के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, लेकिन एक बिना किसी वजह के, यानी कि आपस की रंजिश है उसके बाद उसकी हत्या करने की कोशिश करता है, प्लानिंग के तहत उसको मारने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हत्या, ठीक है। उसके बाद 309। 309 में क्या होता है? अटेम्प्ट टू सुसाइड, यानी कि खुदकुशी करना, आत्महत्या करना। 307 में क्या होता है कि कोई दूसरा किसी की हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन 309 में क्या होता है? आत्महत्या की कोशिश, कई बार आप देखते हैं ना सुसाइड, ठीक है, सुसाइड करना भी एक गुना है, सुसाइड करना भी एक गुना के अंतर्गत में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं 310 की। 310 में क्या होता है? ठगी करना। ठगी किस प्रकार से हो सकती है? ठगी के कई प्रकार होते हैं, ये नहीं है कि हम आम एक आम दुकानदार के पास गए, उसने क्या किया
कि छोटे मोटे पैसे ज्यादा ले लिए और कर लिए, वो कोई ठगी के अंतर्गत नहीं आता। ठगी के अंतर्गत क्या आता है, कई बार है ना बहुत सी फ्रॉड कंपनियां बनाई जाती हैं और वो क्या करते हैं, लालच देती हैं कि हम आपके पैसे डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, एक साल में डबल कर रहे हैं, या ये चीज दे रहे हैं, वो चीज दे रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को लालच दे करके उनको जो लूटते हैं उसको बोलते हैं ठगी करना। उसके बाद 312 जो आईपीसी की धारा 312 है उसके अंदर अंदर आता है गर्भपात करवाना। आजकल ये बहुत कम हो गया है क्योंकि आजकल प्रशासन शासन एक्टिव हो गया है और लोग जागरूक हो गए हैं। पहले क्या था कि जो लड़कियां थी, लड़कियों की समाज के अंदर बहुत कम इज्जत करते थे लोग, नहीं चाहता था कि कोई हमारे घर में बेटी पैदा हो। तो क्या करते थे, जो उनको पता चल जाता था, जैसे कोई भी डॉक्टर जांच में बता देता था लिंग की, आजकल तो लिंग की जांच करना भी एक मतलब गुनाह हो गया है, लिंग की जांच भी नहीं कर सकते। पहले क्या करते थे, लिंग की जांच करवाते थे, उसके बाद अगर पता चल जाता है कि लड़की है, ठीक है, तो क्या करते थे, उसको पेट के अंदर ही मरवा दिया जाता था, उसको बोलते हैं गर्भपात करना। उसके बाद है 351। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, 351 मैंने बताई हमला करना, और जो 307 थी हत्या की कोशिश। इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अटैक किया जाता है, किसी आदमी के ऊपर हमला किया जाता है, और लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है, यानी कि उसको बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की जाती है। ये डिफरेंस आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि अपनी लाइफ में भी कई ऐसे केस हो जाते हैं कि हमें जाना पड़ जाता है। और दूसरी बात, ये छोटी छोटी चीजें बारीकी से समझने की जरूरत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 365। 365 में क्या होता है, किडनैपिंग अपहरण, यानी कि किसी को अगर हम किडनैप कर लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि उसकी बेटी को या उसके लड़के को उठा लिया और उस पर इतनी फिरौती मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो अपहरण होता है। उसके बाद होता है 376 बलात्कार। बलात्कार से आप समझते ही होंगे, बलात्कार के केस तो वैसे भी आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी को भी, किसी भी लड़की के साथ जो बलात्कार किया जाता है, जैसे आजकल सबसे ज्यादा जो फेमस चर्चित केस चल रहे हैं, जैसे निर्भया का केस है, ठीक है, संजली का केस है, ऐसे बहुत से केस चल रहे हैं जो बलात्कार के केस हैं। उसके बाद 376 डी, 376 डी में सामूहिक बलात्कार, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, ठीक, निर्भया का जो केस है वो सामूहिक बलात्कार के अंतर्गत आता है। जो 376 लगती है वो सिर्फ एक या जो आदमी करता है उसके ऊपर लगती है, जो एक आदमी बलात्कार करता है। लेकिन 376 डी में क्या होता है, उसमें कई लोग मिलकर के, यानी कि एक से ज्यादा लोग मिलकर के अगर बलात्कार करें तो 376 डी में आता है। उसके बाद 377, जो 377 होती है इसमें क्या होता है, अप्राकृतिक कृत्य है, यानी कि कई बार क्या होता है कि लड़कों के साथ जो कुकर्म किया जाता है, ठीक है, वो 377 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो ये एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये चीज है ना 365, 376 और 376 डी, ये ज्यादातर जो अपहरण और बलात्कार के केस होते हैं, इनमें एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 18 साल से कम की लड़कियां होती हैं, यानी कि जो 18 साल से कम की जो बच्ची होती हैं, ठीक है, अगर उनको किडनैप करके, उनका अपहरण करके, ठीक है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, तो उनके ऊपर एक एक्ट और लगता है जिसको बोलते हैं पोक्सो एक्ट। कौन सा बोलते हैं, पोक्सो एक्ट, ये एक्ट और उनके ऊपर लगता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं 378 की। 378 होता है चोरी का, जिसमें चोर आपको पता ही है, नॉर्मल है, कोई किसी चीज को चुरा करके ले जाता है तो चोर होता है, ठीक है, चोरी में लगता है 378। कोई किसी की बाइक चुरा लेता है, कोई किसी की गाड़ी चुरा लेता है, कोई किसी के घर से आभूषण चुरा लेता है, तो वह चोरी का। 395, 395 होता है डकैती का। अब डकैती में और चोरी में क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। चोरी क्या होती है, चोरी होती है जो छिप करके की जाती है, और डकैती क्या होती है, सूर्य मतलब सूर्यास्त के बाद, यानी कि शाम को 5 बजे के बाद अगर किसी से कुछ पैसे लूटे जाए, कोई साधन मतलब उसके पास कोई व्हीकल है, कोई साधन है जैसे, या उसके पास से जो भी उसका सामान है वो लूटा जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं डकैती, ठीक है। इसके बाद 412 छीना जपटी। आजकल जो सबसे ज्यादा केस सुनने में मिल रहे हैं, जैसे बाजार के अंदर बाइक सवार ने मतलब महिलाओं के गले से चैन झपटी, ऐसे जो केस होते हैं ना, यानी कि कुछ भी चीज, कोई भी सामान छीन करके जो ले जाते हैं वो होता है छीना झपटी।
उसके बाद बात आती है 415। 415 में क्या है, छल करना, यानी कि छल करना, किसी के साथ धोखा करना, ठीक है। 420 में भी धोखा होता है, लेकिन 415 में भी धोखा होता है। और उसकी मैं इसके आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो 415 उसमें क्या चीज है, इसमें परिभाषा बताई गई है छल करने की, ठीक है। और जो 417 और 419 है, ठीक है, 417 में और 19 में उसके दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो 420 में होता है धोखा देना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा आईपीसी की है, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग नेता लोग करते हैं, ठीक है, वो 499 है, ठीक है, 499, 499 मान हानि। अगर कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन उठा देता है ना कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, तुरंत क्या करते हैं वो लोग, मान हानि का केस दर्ज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये जो आईपीसी की धारा आज मोटी मोटी सी जो हमने करवाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यही है, आपको समझ में आ गई होगी। और आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिनको इसकी आवश्यकता है उनके पास ये वीडियो पहुंच सके, वो इनके बारे में समझ सके। और इससे आगे की जो हम वीडियो शुरुआत करने वाले, जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें हम भारतीय संविधान को लेकर के वीडियो अपलोड करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर के उसके सारे अनुसूची और सभी अनुच्छेद आगे के वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, पहला आइकन भी जरूर दबा दियो भाई, अगर नहीं दबाया है तो आप लोगों ने, तो आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें जरूर दें, ताकि हमें आगे जो वीडियो अपलोड करने में सहायता मिले। आप सभी का धन्यवाद।